आपके पास शील्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इट्स ईजियर टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन टू आयोनाइज एंड देन आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब चूंकि यहाँ पर यही बात हो रही है कि जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, एटम का जो रेडियस है वो कम से कम होता जा रहा है क्योंकि वहाँ पर स्पेस जो है वो कम से कम रह रही है। तो यही यहाँ पर इसका जो है ना वो मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी ये बुक से जो है इसको थोड़ा सा करते हैं।